हेलो दोस्तों, आदर्श रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे करेला का भरवा पकौड़ा, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे 500 ग्राम करेला लिया है। इसे दोनों तरफ से किनारे में काट लेंगे। उसके बाद हमें इसे छिलका उतारना है। हमें इसका छिलका ज़्यादा नहीं उतारना है, बिल्कुल कम, थोड़ा थोड़ा ऊपर वाला जो हिस्सा है उसी को निकालना है, क्योंकि बहुत कड़वा होता है। तो हमने यहाँ पे सारे करेले में छिलका निकाल कर रेडी कर लिया है। अब इसे हम बॉयल करने के लिए रखेंगे। बॉयल करने के लिए हमने यहाँ पे भगोने में पानी रखा है। इसमें सारे करेले को डालकर 15 मिनट तक अच्छे से बॉयल करेंगे। अब हमें इसके लिए मसाला रेडी करना है। मसाला में हमने लिया 3 हरा मिर्च, 2 लाल मिर्च, साबुत धनिया, 8-10 लहसुन की कलियां, सरसों दाना। इसे मिक्सी जार में डालकर और ग्राइंड कर लेना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर। इसे साइड में रख देंगे। अब हमारा करेला भी बॉयल हो गया है। अब इसे हम बाहर निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक हमारा करेला ठंडा हो रहा है, तब तक हम बेसन का घोल तैयार करेंगे। इसके लिए हमने 1 कटोरी बेसन लिया है। इसमें 1/2 चम्मच ऐड किया है हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसे डालकर अच्छे से मिला लेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक बैटर तैयार करेंगे। हमारा बैटर ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए। इसे अच्छा से फेंट लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एकदम बढ़िया स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे हरा मिर्च। आपको पसंद हो तो डालिए, वरना स्किप कर दीजिए मिर्च को। अब इसे हम साइड में रख देंगे। अब हमारा करेला भी ठंडा हो गया है। अब इसे बीच से काट कर, सारे करेले में इसे बीच से काट लेंगे और इसे काट कर और बीच में जो इसका बीज है उसका स्पून का डंटी से बाहर निकाल लेंगे। ये बहुत ही आसानी से बाहर निकल जाता है। एक एक करके हम सारे करेले में बीज बाहर निकाल लेंगे। अब हम इसे भरने के लिए मसाला तैयार करेंगे। हमने यहाँ पे कढ़ाई में 2 चम्मच तेल लिया है। इसमें 1/2 चम्मच मेथी दाना, 1/2 चम्मच सौंफ, 2 लाल मिर्च। चटकने के बाद इसमें ऐड करेंगे 2 बारीक कटा हुआ प्याज। इसे गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे जो हमने बीज निकाल कर रखा था उसको। इसे भी अच्छा से मिला लेंगे। उसके बाद जो हमने मसाले को ग्राइंड करके रखा था उसे ऐड करेंगे और इसे अच्छा से भूनेंगे, जब तक कि हमारा मसाला तेल ना छोड़ दे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक हमें इसमें कम ही डालना है, क्योंकि हमें बेसन में भी नमक डाला है। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे टमाटर और इसे ढक कर 2 मिनट तक अच्छा से पकाएंगे, ताकि हमारा टमाटर अच्छा से सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद हमारा टमाटर सॉफ्ट हो गया है। अब हमें चॉपर के हेल्प से इसे अच्छा से चॉप कर लेना है। सारे मसाले को अच्छा से चॉप कर लेंगे, ताकि हमारा मसाला बारीक हो जाए। अब हम इसे अच्छा से भून गया है, इसे प्लेट में निकाल लेंगे। ठंडा होने के बाद अब हमें इसे जो करेले का में निकाल कर रखा था बीज, उसके अंदर इसको भरेंगे। स्पून के हेल्प से इसे एक एक करके सारे करेले में हमें इसे अच्छा से भर लेना है। ये बहुत ही अच्छा से इसमें भर जाता है। हमने यहाँ पे सारे करेले में मसाले भरकर रेडी कर लिया है। अब हमें बेसन में इसे डीप करना है और इसे तलने के लिए कढ़ाई में एक एक करके डालना है और इसे दोनों तरफ से अच्छा से गोल्डन ब्राउन होने तक
इसे अच्छा से तल लेना है। इसे चारों तरफ अच्छा से घुमा घुमा कर अच्छा से तल लेना है। अब हमारा करेला तल कर रेडी हो गया है। अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे और सेम प्रोसेस से बाकी का भी करेला तल कर रेडी कर लेंगे। अब हमारा करेला का भरवा पकौड़ा बनकर रेडी है। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।